हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल फंडास में आपका स्वागत है। सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल सर्किट में आज हम लोग पार्ट फोर देखने वाले हैं, ट्रिपिंग सर्किट ऑफ अ 33 kV यांग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उससे पहले हम लोग अभी 1000 सब्सक्राइबर का चैनल हो गया, थैंक यू वेरी मच। आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग इतने फास्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। उसके पहले कोट लेंगे, द बेस्ट वे टू बी विथ योर स्पिरिट इज टू फॉरगिव। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ट्रिपिंग सर्किट ऑफ 33 kV गैंग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पार्ट वन और टू थ्री में क्या देखा था हमने। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने देखा था ब्रेकर को डीसी सप्लाई कैसे देते हैं हम लोग। तो उसमें सोर्स वन और सोर्स टू, ऐसे दो डीसी सोर्स हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स वन जो होता है वो उसमें J1 और J2 फेरिल यूज होते हैं। J1 इज फॉर पॉजिटिव, J2 इज फॉर नेगेटिव। और सोर्स टू में हम लोग J3 और J4 यूज करते हैं। J3 इज फॉर पॉजिटिव, J4 इज फॉर नेगेटिव। तो J1 और J2, जो सोर्स वन जो होता है वो क्लोजिंग सर्किट और ट्रिप सर्किट वन को वो सप्लाई देता है, और सोर्स टू जो होता है वो ट्रिप सर्किट टू को देता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही सोर्स है तो हम लोग क्या करते हैं, J1 J3 लूप कर देते हैं, J2 J4 लूप कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट। ब्रेकर क्लोज पार्ट टू में हमने ब्रेकर का क्लोजिंग सर्किट देखा था। ब्रेकर के क्लोजिंग सर्किट में एक लोकल क्लोजिंग हम लोग K21 इसमें याद रखेंगे, K21 फेरुल यूज होता है। इसको हम लोग को बाय हार्ट करना है क्लोजिंग में K21। क्लोजिंग इज इक्वल टू K21, क्लोजिंग इज इक्वल टू K21। ठीक है, और रिमोट क्लोजिंग, लोकल क्लोजिंग और रिमोट क्लोजिंग, इसमें दो सर्किट होते हैं, लोकल क्लोजिंग रिमोट क्लोजिंग। और रिमोट क्लोजिंग में हम लोग क्लोजिंग पॉजिटिव यूज करते हैं, उसका फेरल होता है K5। क्लोजिंग पॉजिटिव है जो है वो क्लोजिंग इंटरलॉक के लिए होता है। अपने अगर वो वीडियो देखा नहीं होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो वीडियोस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिपिंग सर्किट। ठीक है, तो ट्रिपिंग सर्किट जो होता है 33 kV गैंग ऑपरेटेड आउटडोर VCB का जो एक ट्रिपिंग सर्किट जो होता है, उसमें दो ट्रिपिंग सर्किट होते हैं। हर एक ब्रेकर में दो ट्रिपिंग सर्किट होते हैं, ट्रिप सर्किट वन और ट्रिप सर्किट टू। ट्रिप सर्किट वन में K23 फेरुल हम लोग यूज करते हैं, इसको हमको बाय हार्ट करना है। ट्रिप सर्किट वन इज गैंग ऑपरेटेड ब्रेकर में ट्रिप सर्किट वन में K23 होता है। ठीक है, और ट्रिप सर्किट टू होता है हमारे K53। ओके, और हम लोग जो ट्रिपिंग सर्किट है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है हमारा लोकल ट्रिपिंग। लोकल ट्रिपिंग जो कि होता है वो लोकल TNC स्विच जो कि हमारे ब्रेकर में होता है यार्ड में, लोकल TNC स्विच। तो ये होगा हमारा लोकल ट्रिपिंग। फिर है हमारा रिमोट ट्रिपिंग। रिमोट ट्रिपिंग जो है वो होता है हमारे रिमोट TNC स्विच जो कि रिले कंट्रोल पैनल में होता है, कंट्रोल रूम में। ठीक है, तो ये दो हो गए, लोकल ट्रिपिंग और रिमोट ट्रिपिंग। ये हो गए कंट्रोलिंग का पार्ट, मतलब इसको हम लोग मैन्युअली ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। पर एक तीसरा पार्ट होता है हमारा प्रोटेक्शन ट्रिपिंग का, जो कि होता है हमारा 86 ट्रिप रिले, मास्टर ट्रिप रिले से होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये दो कंट्रोलिंग मैन्युअली होता है, ये प्रोटेक्शन ट्रिपिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। फिर क्या होता है कि ट्रिपिंग सर्किट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रिपिंग सर्किट फॉल्टी होगा तो हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, और ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा तो सिस्टम को उतना देर तक वो फॉल्ट सस्टेन करना पड़ेगा, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द सिस्टम। ठीक, उसके लिए ट्रिपिंग सर्किट का हमको मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली। मॉनिटरिंग करने के लिए दो सर्किट्स होते हैं उसमें, प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज। ठीक है, प्री क्लोज मतलब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में उसको मॉनिटर करना है, उसको बोलते हैं हम लोग प्री क्लोज। ऑफ सर्किट में TC1 को फेरुल यूज होता है K23AA। प्री क्लोज इक्वल्स टू K23AA, इसको हमको बाय हार्ट करना है ट्रिप सर्किट टू के लिए K53AA। तो प्री क्लोज ट्रिप सर्किट टू इज K53AA, प्री क्लोज इज AA, प्री क्लोज मीन्स AA। पोस्ट क्लोज मतलब ब्रेकर ऑन कंडीशन में TC1 के लिए होता है K23A सिंगल है, TC2 के लिए होता है K53A सिंगल है। तो पोस्ट क्लोज K23A। ठीक है, तो ये फेरुल्स हमको याद रखने हैं ट्रिपिंग के लिए, K23, K53, ट्रिप सर्किट वन, ट्रिप सर्किट टू, प्री क्लोज के लिए K23AA, K53AA,
पोस्ट क्लोज के लिए K23A ट्रिप सर्किट 1, K53A ट्रिप सर्किट 2। ओके, तो देखते हैं अभी ब्रेकर एक्चुअल ब्रेकर में कैसे होता है हमारा ट्रिपिंग सर्किट। तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा एक 33 kV का गैंग ऑपरेटेड, ये हमारा एक 33 kV का गैंग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि CGL मेक का है। तो ये इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इधर हम दे देंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जो ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट 1 है, ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट 2 है। ओके, और ये है हमारा ट्रिपिंग कॉइल 1, ये हमारा ट्रिपिंग कॉइल 2 है। तो ट्रिपिंग कॉइल 1 को हम लोग कंटिन्यूअस नेगेटिव देकर रखेंगे, जैसे हमने क्लोजिंग कॉल में कंटिन्यूअस नेगेटिव देकर रखा था, सिमिलरली ट्रिपिंग कॉइल को कंटिन्यूअस नेगेटिव देकर रखेंगे हम लोग। और फिर हम लोग अभी लोकल ट्रिपिंग देखेंगे। लोकल ट्रिपिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो पॉजिटिव है ये लोकल रिमोट स्विच के गया है, और जब ये लोकल रिमोट स्विच लोकल पे होगा तो ये ब्लैक डॉट दिखाया है, तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा हमारे टीएनसी स्विच को। टीएनसी स्विच ये जो डायग्राम है वो ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। तो टीएनसी स्विच अगर टीपी होगा तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को। अभी ब्रेकर ऑफ है तो ये एनो कॉन्टेक्ट ओपन है, पर जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये कॉन्टेक्ट हमारे क्लोज हो जाएंगे। ये कॉन्टेक्ट क्लोज होने की वजह से ये पॉजिटिव जो आए वो एक्सटेंड होगा हमारे रेजिस्टेंस R4 को, और R4 के बाद वो जाएगा ट्रिपिंग कॉइल को। ट्रिपिंग कॉइल को कंटिन्यूस नेगेटिव मिल रहा है तो हमारा ट्रिपिंग कॉइल एनर्जी सर्किट कंप्लीट होगा, और ये ट्रिपिंग कॉइल हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। सिमिलरली सेम इसमें भी ट्रिपिंग कॉइल ट्रिपिंग सर्किट 2 में भी सेम वैसे होता है, खाली इतना ही फर्क है इधर K23 फेरुल यूज करते हैं, इधर K53 फेरुल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिपिंग कॉइल 1 में टीएनसी स्विच का एक कॉन्टेक्ट यूज करते हैं, और इसमें टीएनसी स्विच का दूसरा कॉन्टेक्ट यूज करते हैं, उसको K25 फेरुल है, K51 फेरुल है। और आप इधर देख सकते हैं इसमें एक K23 फेरुल है और ये K53 फेरुल है। तो ये हो गया हमारा लोकल ट्रिपिंग। अभी अगर हमको ब्रेकर रिमोटली ऑन ऑफ ट्रिपिंग करना है टीएनसी स्विच थ्रू, अंदर जो कंट्रोल पैनल में होता है ये रिले थ्रू, तो हम लोग जो अंदर से जो वायर आता है वो इधर कनेक्ट करते हैं K23 को 14 नंबर टीवी को, तो वो डायरेक्टली पॉजिटिव है तो इधर से ऐसे जाके हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। सिमिलरली ये K53 का वायर हम लोग 18 नंबर टीवी को ट्रिप सर्किट 2 के लिए K53 हम लोग 18 नंबर टीवी को कनेक्ट करते हैं, वो जाके सीधा ट्रिप सर्किट 2 को ट्रिप कर देगा। ओके, और अभी इसमें मॉनिटरिंग कैसे होता है देखेंगे हम लोग, टीसीएस रिले का मॉनिटरिंग, ट्रिप सर्किट का मॉनिटरिंग टीसीएस रिले थ्रू कैसे होता है देखेंगे। ब्रेकर ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ये जो नेगेटिव जो है ये इधर से ऐसे ये एक एनसी कॉन्टैक्ट को देके रखते हैं, ये एक एनो कॉन्टैक्ट और रेजिस्टेंस के बीच में से एक वायर अप करते हैं एक वायर को, और वो जाता है हमारे एनसी कॉन्टैक्ट को, फिर वो एनसी कॉन्टैक्ट को ये आ जाता है हमारे अंदर टीसीएस रिले को, इसको बोलते हैं K23AA, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऐसे इस तरह से ऐसे जाता है नेगेटिव हमारे टीसीएस रिले को ब्रेकर ऑफ कंडीशन में, इसको बोलते हैं प्री क्लोज सुपरविजन K23AA। तो कंटिन्यूस नेगेटिव जाना चाहिए, अगर ट्रिप सर्किट ओके है तो कंटिन्यूस नेगेटिव जाना चाहिए, अगर कंटिन्यूस नेगेटिव नहीं जा रहा है तो मतलब ट्रिप सर्किट में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ट्रिप सर्किट 2 में भी वैसे ही नेगेटिव जो आ रहा है वो ऐसे इस तरह से जाएगा हमारे K53AA फेरुल उसमें यूज होता है हमारे टीसीएस रिले को जाएगा। अगर कंटिन्यूस नेगेटिव नहीं जा रहा है उसका मतलब कुछ ट्रिप सर्किट 2 में कुछ फॉल्ट ही है, वो इस तरह से वो टीसीएस रिले हमको इंडिकेशन देगा, ठीक है। अभी ब्रेकर अभी पोस्ट क्लोज सुपरविजन देखते हैं। पोस्ट क्लोज सुपरविजन में ये ब्रेकर ऑन होने के बाद ये कॉन्टेक्ट हमारे एनओ के क्लोज हो जाते हैं ट्रिप सर्किट 1 में, ट्रिप सर्किट 2 में, तो और ये जो कॉन्टेक्ट है ये ओपन हो जाएगा, 52B का कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट हमारे ओपन हो जाएगा। तो अभी नेगेटिव यहां से नहीं जा पाएगा, K23AA को नेगेटिव नहीं मिलेगा, पर ये जो नेगेटिव है ये हमारे K23A को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट क्लोज सुपरविजन, मतलब ब्रेकर क्लोज होने के बाद। इसमें K23A है और इसमें है हमारा K53A, ठीक है, इसमें है हमारा K53A। तो इस तरह से हमने ब्रेकर देखा अभी कैसे होता है। अगर ब्रेकर को हमको ट्रिपिंग सर्किट को में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग को ट्रबल शूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या करना है कि नेगेटिव जो आ रहा है ट्रिपिंग कॉइल को तो उसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लैक रेड प्रोब है मल्टीमीटर का वो हम लोग पॉजिटिव पे कनेक्ट करके रखेंगे, और जो नेगेटिव हम लोग अभी एज्यूम करेंगे कि R4 जो है ये फॉल्टी है, ये ओपन है, ओपन हो गया है जल के, तो ये जो नेगेटिव जो आ रहा है क्लोजिंग कॉइल थ्रू रेजिस्ट, पहले हम लोग डायरेक्ट प्रोब जो है वो
इधर लगा देंगे 14 नंबर टीवी को, रेड प्रोब इधर रहेगा, ब्लैक प्रोब लगा देंगे हम लोग 14 नंबर टीवी को K23 पे। इधर हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है, ट्रिपिंग रेजिस्टेंस ये हमारा फॉल्टी है, तो ये इधर ओपन है सर्किट, तो ये नेगेटिव एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। ओके, हमारा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज है, तो ये नेगेटिव आगे नहीं आ पाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी स्विच के बाद हम लोग चेक करेंगे K27 पे चेक करने के बाद हमको इधर भी नेगेटिव नहीं मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से ये नेगेटिव इधर नहीं आ पाएगा। K27A के बाद हम लोग चेक करेंगे K29 पे, जो कि जाता है हमारा रेजिस्टर R4 पे। K29 पे हम लोग चेक करेंगे, रेजिस्टेंस R4 के इनकमिंग में जाएगा। K29 पे चेक करेंगे, इधर भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद में चेक करेंगे K29A पे, रेजिस्टेंस के आउटगोइंग पे, तो इधर हमको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, K29 पे वोल्टेज मिल रहा है, K29A पे वोल्टेज मिल रहा है, K29 पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये R4 रेजिस्टेंस है जो ये फॉल्टी है, इसको जब हम रिप्लेस कर देंगे तो ये नेगेटिव है, जो ये पूरा इधर से यहां तक एक्सटेंड होगा TNC स्विच के यहां तक। ठीक है, अभी हमने TNC स्विच के एक साइड का सर्किट देखा जिधर नेगेटिव मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ फॉल्टी है, मतलब अगर ये TNC स्विच का जो कॉन्टेक्ट है ये प्रॉपरली मेक नहीं हो रहा है, तो हमको इधर पॉजिटिव नहीं मिल रहेगा, इसकी वजह से ब्रेकर ट्रिप नहीं हो पाएगा, ये पॉजिटिव एक्सटेंड नहीं होगा हमारे ट्रिपिंग कॉल का, ब्रेकर ट्रिप नहीं हो पाएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो नेगेटिव जो है तो क्या करेंगे, नेगेटिव ब्लैक प्रोब जो है नेगेटिव पे कांस्टेंट रखेंगे, और पॉजिटिव का जो प्रोब है वो हम पॉजिटिव का प्रोब है तो पहले उसको हम लोग लोकल रिमोट के J5 पे लगा के 13 नंबर पे TB पे लोकल रिमोट के J5 पे चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है क्या। तो पॉजिटिव इधर तो आएगा पॉजिटिव, पर जब हम लोकल पे डालेंगे तो पॉजिटिव K25 पे नहीं आएगा क्योंकि ये TNC स्विच का कॉन्टेक्ट फॉल्टी है, K25 पे नहीं आएगा, K25 पे नहीं आ रहा है और J5 पे आ रहा है, उसका मतलब ये फॉल्टी है, इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये पॉजिटिव वाला सर्किट भी चेक हो गया क्योंकि हम लोग TNC को कंटिन्यूस पॉजिटिव देके रखते हैं, तो ये सर्किट भी हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये TNC स्विच के पहले और बाद में दोनों सर्किट अगर ओके है, फिर भी अगर ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है कि ये TNC स्विच का कॉन्टेक्ट फॉल्टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और ये दोनों ये K25 और K23 को पल्स देके देखेंगे हमारा ब्रेकर ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ब्रेकर ट्रिप हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो TNC स्विच का कॉन्टेक्ट हमारा फॉल्टी है, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि ट्रिपिंग सर्किट कैसी होती है और उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं वो हमने देखा। अभी हम लोग उसका लूपिंग कैसे होता है, रिले पैनल और ब्रेकर का लूपिंग कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि ये जो DC DB है, DC DB से हमने DC देके रखा हुआ है हमारे ब्रेकर को। ओके, इस तरह से हमने ये ब्रेकर हमारे ब्रेक ब्रेकर को हमने ये K1 through DC देके रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ट्रिप कॉइल 1 है और ये हमारा ट्रिप कॉइल 2 है। ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यूस नेगेटिव देके रखेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट एज्यूम करेंगे कि ब्रेकर ऑफ पोजिशन में है। ठीक है, ब्रेकर इज इन ऑफ पोजिशन, ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे। ऑफ पोजिशन में क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट हमारा ओपन होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो है वो हमारा ओपन होगा। तो ब्रेकर को हम लोग कंटिन्यूस नेगेटिव देके रखा है हमने, और ये जो पॉजिटिव है ये इस तरह से ऐसे पहले लोकल क्लोजिंग सर्किट देखेंगे, पॉजिटिव इधर से ऐसे जाएगा MCB पे, MCB के बाद जाएगा लोकल रिमोट स्विच पे, फिर लोकल TNC स्विच, TNC स्विच के बाद हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पे, फिर ये ब्रेकर ऑन होगा तो ये क्लोज होगा और ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा TC1 से। ठीक है, और ये है हमारा रिमोट क्लोजिंग रिमोट ट्रिपिंग सर्किट। ओके, तो ब्रेकर ऑफ पोजिशन में, ठीक है ना, पहले हम लोग ब्रेकर ऑफ पोजिशन में उसका ट्रिप सर्किट सुपरविजन कैसे होता है वो देखेंगे। तो ब्रेकर ऑफ पोजिशन में क्या होगा, ये जो हमने इधर से एक कनेक्शन लिया हुआ है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट 52A और रेजिस्टेंस ट्रिपिंग रेजिस्टेंस के बीच में से एक लिया हुआ है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के बाद में कनेक्शन लिया हुआ है, वो गए 52B पे NC कॉन्टेक्ट पे, तो प्री क्लोज जाता है हमारे TCS रिले को, जिसको बोलते हैं हम लोग 195 ABC, इसको वो नेगेटिव जाता है इस तरह से यहाँ पे,
ये हमने एक सेपरेट वीडियो में टीसीएस रिले का वर्किंग बताया हुआ है, फिर से एक बार शॉर्ट में बताएंगे हम लोग। ये नेगेटिव गया हमारे बी रिले को ए, और इधर से पॉजिटिव कंटिन्यूस देके रखा है हमने रिले को। ये ए बी और सी ये तीन रिलेज है इधर, ये प्री क्लोज सुपरविजन में ये एनर्जाइज होता है, पोस्ट क्लोज में ये एनर्जाइज होता है, और ये सी जो है वो मेन एलिमेंट है। ये दोनों के कॉन्टेक्ट पैरेलल में लेके पॉजिटिव उसको एक्सटेंड करते हैं, सी को उसको कंटिन्यूस नेगेटिव दिया हुआ रहता है। तो बी को अभी नेगेटिव मिल रहा है और उसको पॉजिटिव कंटिन्यूस है, तो ये कॉन्टेक्ट हमारा पिकअप होगा, ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा सी को, सी को नेगेटिव मिल रहा है, तो ये टीसीएस रिले हेल्दी दिखाएगा क्योंकि ये एक रिवर्स फ्लैग रिले है सी जो है, तो ये प्री क्लोज हो गया। सिमिलरली इधर इसमें ऐसे इसको जाएगा ये ट्रिप सर्किट टू का 52 बी से इस तरह से जाएगा ये बी को 295 एबीसी जो रिले है, जो हमारा 295 एबीसी जो रिले है उसको जाएगा। ठीक है, तो ये रिले है वो हमारा 295 एबीसी, ये रिले पैनल के अंदर होता है, तो ये हमारा हो गया प्री क्लोज सुपरविजन इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे गया इधर बी को नेगेटिव, कंटिन्यूस नेगेटिव जा रहा है, रिले दिखाएगा टीपीएस हेल्दी। ओके, अभी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा ब्रेकर ऑन हो गया है, ब्रेकर ऑन हो गया, अभी ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट वो एनओ था 52 है, वो हो गया हमारा एनसी, ये हो गया एनसी, और ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, दिस कॉन्टेक्ट आर ओपन। तो हम लोग अभी रिमोट ट्रिपिंग देखेंगे कैसे होते हैं। रिमोट ट्रिपिंग जो इधर आता है वो अभी रिले पैनल में दो जगह से आता है, वो एक टीएनसी स्विच से आता है, ये रिमोट टीएनसी स्विच है, और एक मास्टर ट्रिप रिले के कॉन्टेक्ट होता है। तो टीएनसी स्विच को पॉजिटिव देके रखा है, जब वो हम लोग टीपी डालेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा इस तरह से, ऐसे डायरेक्टली जाएगा लोकल टीएनसी स्विच के बाद, और जाके वो ट्रिप कर देगा हमारे ट्रिपिंग कॉइल वन को। सिमिलरली यहां से ट्रिप सर्किट टू का ये दोनों टीएनसी सेम स्विच है, पर इसमें ये अलग कॉन्टेक्ट यूज होता है, इसमें अलग कॉन्टेक्ट यूज होता है ट्रिपिंग टू के लिए। तो K1 गया हमारे पॉजिटिव गया टीएनसी स्विच को, टीएनसी स्विच टीपी डाल दिया, तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड हो गया हमारे ट्रिपिंग कॉइल 2 को। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमोट ट्रिपिंग। रिमोट ट्रिपिंग और एक जगह से भी होता है, ये होता है हमारे 86 रिले के, 86 रिले मास्टर ट्रिप रिले से, मास्टर ट्रिप रिले के कॉन्टेक्ट को हम लोग कंटिन्यूस पॉजिटिव देके रखते हैं। जब ये मास्टर ट्रिप रिले हमारा कुछ फॉल्ट होगा, रिले सेंस करेगा, वो मास्टर ट्रिप रिले का ऑपरेट होगा, मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट हुआ तो ये उसका कॉन्टेक्ट क्लोज होगा और ये पॉजिटिव एक्सटेंड होके सीधा जाके वो ट्रिप कर देगा हमारे ट्रिपिंग कॉइल को। इधर से भी ट्रिप और 86 टू मास्टर ट्रिप रिले का दूसरा कॉन्टेक्ट जो है उधर से भी पॉजिटिव एक्सटेंड होगा और जाएगा हमारे ट्रिप कॉइल 2 को, तो ट्रिप कॉइल 1 और ट्रिप कॉइल 2 दोनों ऑपरेट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमोट ट्रिपिंग सर्किट। तो आपने देखा अभी रिमोट ट्रिपिंग सर्किट कैसे होता है, और अभी ट्रिप सर्किट सुपरविजन देखेंगे। पहले हमने देखा था ऑफ कंडीशन में प्री क्लोज सुपरविजन जो है वो इधर से ऐसे गया था, पोस्ट क्लोज में क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट ओपन होने से प्री क्लोज में नहीं जाएगा, K23AA में नेगेटिव नहीं आएगा, पर हमारा जो K23A है उसमें हमको नेगेटिव मिलेगा, वो जाएगा यहाँ पे, ये जो है वो नेगेटिव है, इधर से ऐसे एक्सटेंड होके जाएगा यहाँ पे, और हमारा ए रिले पिकअप होगा, ए को कंटिन्यूस पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव अभी इधर से ब्रेकर से मिल रहा है, तो उसका कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, तो ये जो पॉजिटिव है वो एक्सटेंड होगा हमारे मेन एलिमेंट सी को, सी को कंटिन्यूस नेगेटिव है तो रिले दिखाएगा ट्रिप सर्किट इज ओके। सिमिलरली इसमें ट्रिप सर्किट टू में भी वैसे ही होता है, ये जो नेगेटिव है यहां से ऐसे एक्सटेंड होके जाएगा हमारा पोस्ट क्लोज K53A को, K53A को जाएगा इस तरह से, यहां से यहां पे ये ए एलिमेंट पिकअप होगा, उसको पॉजिटिव मिल रहा है इसकी वजह से, तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा हमारे सी एलिमेंट को, सी एलिमेंट को कंटिन्यूस नेगेटिव हमने देके रखा हुआ है, और फिर वो दिखाएगा हमारा ट्रिप सर्किट टू इज हेल्दी। तो इस तरह से हमने आज देखा कि उसका इंटर पैनल, रिले पैनल और ब्रेकर में इंटर कनेक्शंस कैसे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर अवर वीडियोज ऑन व्हाट्सएप, हैव अ नाइस डे, और हमारा जो वेबसाइट है इलेक्ट्रिकल फंडास, इसको आप जरूर देखिए, हमने अभी उसको एकदम अपडेट किया है। थैंक यू।